चलन आज हम सेकेंड ईयर का मैथ एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें जैसे कि हमने पहले पहले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने बताया था, पढ़ा था कि लिमिट्स के बारे में। ठीक है, जो एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट और सेकेंड थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमने सब में लिमिट्स मालूम की थी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी को अप्रोचेस किया था, ठीक है, इसी को फाइंड की थी। तो इसी क्वेश्चन में भी हम ये ऐसे करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले जिस जिस स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट्स कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो भी नई मेरी लेटेस्ट वीडियो आए वो आपको मिलती रहे, क्योंकि आगे मैंने लास्ट पे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन सबको कोर्सेज कराने हैं कंप्यूटर के, ताकि वो आगे जाके स्किल्स के साथ जाएं, ठीक है, स्किल्स हासिल करें, और आगे भी हम इसको लेके चलते रहेंगे। ठीक है, हम कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर के कुछ कोर्सेज करेंगे जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, ठीक है, एक्स लेस देन माइनस वन और सी प्लस टू और एक्स ग्रेटर देन माइनस वन। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें भी वही वैसे करनी है, लिमिट्स को मालूम करना है। ठीक है, कि माइनस वन के अप्रोचेस रखनी है, सी हमारे पास माइनस वन की अप्रोचेज है। ठीक है, जैसे अब अगर लिखा हुआ है सी सो डैट लिमिट्स एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कि जो हमारे पास जैसे आपने पहले क्वेश्चन किए हैं कि लिमिट मालूम की है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। ठीक है, अब इसी को मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन को भी आप हल करें और इससे हमें लिमिट्स बताएं कि आपकी इस लिमिट्स का क्या आंसर आता है। ठीक है, और अब हम इसे शुरू करते हैं। ठीक है, लिमिट्स उसमें क्या है कि पहले जो लिमिट है हमारे पास क्या है, एक्स प्लस टू है। ठीक है, अब हम इसको रख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्या है लिमिट, एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन हम रखेंगे क्योंकि माइनस वन उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अब नीचे आते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन, ठीक है, एक्स प्लस टू इसके आएगा माइनस वन, यहाँ रख लेते हैं प्लस कर लेते हैं टू को। ठीक है, फुल ब्रैकेट लगा ली। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, माइनस वन है, प्लस करेंगे टू में तो फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा, वन आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड करने के लिए हम करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन। ठीक है, क्योंकि इसमें भी यही कह रहा है तो क्या करेंगे, माइनस वन रख दिया। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन। ठीक है, अब हमारे पास इसमें है सी प्लस टू। ठीक है, सी प्लस टू किसके इक्वल आएगा, सी प्लस टू के। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, सो डैट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन। ठीक है, एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन एफ ऑफ एक्स, एक्स इज सो। ठीक है, लिमिट हमारे पास थी जो एक्स अप्रोचेज टू माइनस वन के, तो एफ ऑफ एक्स था हमारे पास माइनस वन नहीं। ठीक है, तो लिमिट हमारे पास क्या आई थी, राइट हैंड साइड की और लेफ्ट हैंड साइड की, वो मैं अब बताने लगा हूँ। लिमिट राइट हैंड की हमारे पास पहले आई थी लेफ्ट हैंड साइड की वन, तो हमारे पास सेकंड की जो आई है सी प्लस टू। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज m एंड n सो डैट गिवन फंक्शंस f इज कंटिन्यूसली। ठीक है, कंटिन्यूस करना है एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करूँगा मैं, ठीक है, सेकंड आप खुद कर लेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, इसलिए आपको ये करके बता रहा हूँ। वन वाला अगर आपको वन आ जाएगा तो जैसे आपको पहले अगर आ गए हैं तो आपको सारे ये क्वेश्चंस सेम टू सेम ऐसे ही एज इट इज, तो आप ये इजीली कर लेंगे। ठीक है, एम एक्स एफ एक्स
एन इफ एक्स इज इक्वल टू 3 और माइनस 2 एक्स प्लस 9 इफ एक्स 3। ठीक है, यही हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसी को हमने हल करना है। इसमें हमने बताना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, हमारे पास जो उसने बताया हमें कि f जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है, पहला जो हमारे पास पहली कंडीशन है, ठीक है, वो तो है हमारे पास एफ ए एम एक्स। ठीक है, एम एक्स है, तो दूसरी जो है वो एन है। ठीक है, हम एन वाली कर लेते हैं कि हम एफ ऑफ 3 रख लेते हैं। ठीक है, तो बराबर किसके रख लेते हैं, एन के रख लेते हैं। ठीक है, वो हमारी कंडीशन क्योंकि एक्स नहीं है, वो हमारी हल ही नहीं हो सकती है, तो इसलिए हम उसको पहले ही हल कर लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड रख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, लिमिट रखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 रख लिया है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ए एक्स अप्रोचेस टू 3 हो गया, तो यहाँ पे हम रखेंगे एम एक्स। ठीक है, एम एक्स रख दिया, तो एम एक्स है, तो एम एक्स में हमारे पास जो वैल्यू होगी एक्स की ही चेंज होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम एज इट इज़ आ जाएगा और एक्स में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3m। ठीक है, तो अब हम इसकी करेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, जो लास्ट लिमिट है वो है माइनस टू एक्स प्लस 9। ठीक है, यही है। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस टू एज इट इज़ आ जाएगा और एक्स की जगह आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, माइनस टू का टेबल 3 से करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है, 9 आता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर करेंगे माइनस टू 3 प्लस 9 इज इक्वल टू किसके आएगा, 3 के आएगा। ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्योंकि माइनस टू है और 3 है, 3 टू ज़ार माइनस टू ज़ार क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, और माइनस होगा, ये माइनस में आएगा, तो फिर माइनस 6 जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, 3 के आएगा। ठीक है, माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 3 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास, ये ऐसी एज इट इज़ ऐसी है और यही हमारे पास आंसर है। तो सेम टू सेम मैं वो यही बता देता हूँ कि हमारे पास जो एम है उसकी हमारे पास वैल्यू होगी आएगी 1 आएगी। ठीक है, और एन की हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है एम जो है वो 3 है, पहले जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 3 निकला है और 3 एम है और इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, एन जो हमारे पास है वो 3 के इक्वल है, तो 3 1 3 आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो आप खुद करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 6 1.4 का, तो उसमें वो कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट है और अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 है, माइनस है अंडर रूट एक्स प्लस 7 है डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 है। ठीक है, जो एक्स नॉट टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 के बराबर है। ठीक है, तो जो के है वो एक्स इज इक्वल टू बराबर है। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मदद से नहीं करना, इसे हमने सिंपल करना है और सिंपल ही फाइ ये ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 7 और डिवाइड हो जाएगा एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 के बराबर है, तो एक्स इज इक्वल टू 2 के बराबर है और ये के है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड वैल्यू ऑफ के सो डैट एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो एक्स हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास 2 होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पे लिमिट लिख देता हूँ, लिमिट है एक्स एक्स अप्रोचेस टू 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2। हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास 2 की होगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हम करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, एक्स अप्रोचेस टू 2 हो गया, तो अब हमारे पास आएगा पहली वैल्यू है अंडर रूट
2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 7, ठीक है, वो डिवाइड हो रहा है किससे, एक्स माइनस 2 से, तो बराबर किसके आएगा, के के आएगा, ठीक है। अब हम इसमें लिमिट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 के आ गया, अंडर रूट 2 ए एक्स प्लस 5, ठीक है, माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 7, ठीक है, एक्स माइनस 2, ठीक है। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इससे अंडर रूट आ गया 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7 ओवर अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7, ठीक है, और ये इक्वल किसके होगा, k के, लास्ट पे k जरूर लिखना है आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि k को हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब लिमिट लगाएंगे, x अप्रोचेस टू 2 के है, ठीक है, किसके बराबर आएगी, अंडर रूट 2x प्लस 5 है, इसका स्केयर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखें वैल्यू एक जैसी है, ठीक है, इसका स्केयर हो गया तो माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 7 हो गया, इसका भी स्केयर हो जाएगा तो डिवाइड होगा, तो क्या होगा, एक्स माइनस 2 हमारे पास, हमारा जो है वो बाहर आ जाएगा, फर्स्ट जो वैल्यू है, तो 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7, ये हमारे पास अलग वैल्यू आ गई, ठीक है, किसके बराबर है, k के बराबर है, ठीक है, ये अपने लाजमी लिखना है। और लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 2 है, और इसको हमने हल करना है, तो हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये खुल जाएंगी, तो 2x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 7 हो जाएगा, अंडर रूट क्योंकि कट जाएगा, ठीक है, और ये डिवाइड करना है, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स माइनस 2 और अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस प्लस 7, ठीक है, किसके बराबर हुआ, k के बराबर हुआ, ठीक है। लिमिट लाजमी लगानी है आप लोगों ने, x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 और x माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7, ठीक है, किसके बराबर आया, के बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे पेज गीला हो गया थोड़ा, पसीने से गर्मी बहुत है, तो अब हम इसका आगे लिमिट निकालेंगे, ठीक है, आगे लिमिट में वो क्या करना है, हमने लिमिट लगानी है, ठीक है, तो हमारे पास पहले जो लिमिट हमने लगाई है उसमें हमने क्या किया, 2 ए एक्स माइनस 2 रखा है, ठीक है, तो एक्स माइनस 2 की जगह हमने लिमिट पुट करनी है, अब लिमिट है, ठीक है, 1 अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 7, ठीक है, ठीक है, यही है, तो बराबर किसके आया, k के आया, ठीक है, क्यों, हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 ए एक्स माइनस 2 है, तो हमारे पास जो हमने पुट करनी है वैल्यू वो है 2, एक्स में 2 रख दिया, 2 माइनस 2 कितना हो गया, 1 के हो गया, ठीक है, 0 इक्वल होगा, तो यहाँ पे हमने इसको कैंसिल कर दिया हुआ है, तो 1 हो गया, एक्स अप्रोचेस टू 2 यहाँ आएगी वैल्यू, ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 5, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू के बराबर है, तो यहाँ पे आएगा 1 ओवर अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9, ठीक है, इज इक्वल टू के, कैसे आया ये 1 ओवर, ठीक है, हमारे पास ये था 2
और 2 + 5 था, 2 2 से मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, 4 + 5 कितना हो गया 9 हो गया, और 2 + 7 कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है, अंडर रूट 9, 9 अंडर रूट आ गया, तो इज इक्वल टू किसके बराबर आया, के के बराबर आया, तो हमारे पास के बराबर जब आ गया तो फिर हमारे पास जो अंडर रूट से काट देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 + 3 हो जाएगा, 3 + 3 इज इक्वल टू के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास के किसके इक्वल आया, 1/6 के हमारे पास इक्वल आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी लॉन्ग आ जाता है, तो ये आप लाजमी कीजिए, ये जो 1.4 है इसमें से एक ना एक लॉन्ग आ जाता है, ठीक है, तो आप इसकी तैयारी कीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो लास्ट पे फिर वही कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, ठीक है, बेल आइकॉन को जो प्रेस लाजमी कीजिए, ताकि आपको जो नई वीडियोज़ जो मैं अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है, क्योंकि आगे कोर्सेज भी स्टार्ट करने हैं, ठीक है, कंप्यूटर कोर्सेज भी होंगे, ठीक है, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग भी शुरू करेंगे, ठीक है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ होंगे, शायद मुझे एक नया चैनल ही बनाना पड़े, ठीक है, उसके लिए, तो इसलिए ये जो है एजुकेशन के लिहाज से एक चैनल हो जाएगा, और दूसरा आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर के लिए या दूसरा कोर्सेज के लिए हो जाएगा, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और जो जो इसमें कमी है वो आप मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें ये चीज़ है तो इसमें कमी है, ठीक है, आप के लिए वो भी शायद आसानी पैदा करने के लिए वो भी किया जाए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।